मेरे अति प्रियो, क्या आप खुशी के साथ रहते हैं? क्या आनंद के साथ रहते हैं? आप इस जहां को देख रहे ना, इतना सुंदर है, देखने में मन में इतना शांति मिलती है। बड़े बड़े इमारतें हैं, जी हाँ, दुबई, वो दुबई है मैं, लेकिन यहाँ शारजाह में खड़ा हूँ। दोनों के बीच में एक झील जैसे है, उसी के बीच में ओके मैं प्रचार कर रहा हूँ। दुबई शारजाह दोनों में जो है बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों ने अपने रहने के लिए कितना सुंदर ढंग से शहर को योजना करके बनाते हैं। प्रभु इतना बुद्धि दिया है, यहाँ से कड़ाओं के प्रचार करना मेरे लिए आनंद की बात है। आज भी एक खास दिन है, मालूम है, विश्व भर में लोग मनाते हैं वर्ल्ड फैमिली डे। पूरे दुनिया भर में फैमिली डे परिवार का दिवस के रूप में मनाते हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रतिदिन फैमिली दिवस के रूप में रहते हैं, क्योंकि हम पति के साथ, पत्नी के साथ और माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं है। पूरे परिवार के साथ रहने के चलते प्रभु ने अनुग्रह दिया, ये हमारे लिए फैमिली डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मन में ये दुख है, मेरे परिवार में जो है प्रार्थना नहीं करते हैं, पाप में रहते हैं, शराब पीते हैं, परिवार के लोग यीशु को नहीं जानते हैं, इसी दुख में ही रहते हैं। वे लोग भी प्रार्थना करना यही दुख में रहते हैं ना। प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 31 वचन में प्रभु का वादा को देखिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपको, आपके पूरे घराना उद्धार पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता तू विश्वास करने से उद्धार पाएंगे। ना केवल आपको परमेश्वर प्रेम करता, आपके पूरे परिवार को भी प्रभु प्रेम करता है। आपके द्वारा आपके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभु उद्धार करना चाहता है, इसलिए सबसे प्रेम करके प्रभु आशीष देने चाहता है। जैसे ही मैंने यीशु से अद्भुत कामों को पाया, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, लेकिन मेरे सारे घराना जो है, सारे लोग हिंदू परिवार रहे, इतना दून के साथ रहते हैं, कोई भी वहां पर नहीं आना चाहते थे। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, मेरा सारा परिवार वो कहने लगे तुम जो है प्रभु यीशु को ग्रहण करो, हमारा कोई इतराज नहीं, लेकिन हमें कोई जबरदस्ती नहीं करना। लेकिन मेरे अंदर एक बोझ था, मेरे सारे घर के लोग यीशु को जानना है, प्रभु यीशु को ग्रहण करना, ये मेरा दिल का बोझ था। परमेश्वर इस वचन को वादा दी तो उस वचन के अनुसार मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर तेरे वादा का अनुसार मेरे परिवार को छूना है। जैसे ही मैंने उस वादा कर रखे प्रार्थना करने लगे, धीरे धीरे मेरी माँ प्रभु यीशु के पास विश्वास करने लगी और यीशु को ग्रहण करने लगी। मेरे दिल में खुशी आई क्योंकि मेरी माँ प्रभु यीशु को पूरे दिल से ग्रहण कर ली और उसके बाद मेरे पिताजी यीशु को ग्रहण किए, उसके द्वारा पूरे गांव वाला इतना आश्चर्य हुए हैं। और मेरे लिए एक दादी माँ थी, वो इतना भक्ति में रहती थी। मैं जब बचपन में था मुझे रामायण सिखाती थी, मुझे सारे हिंदू की ग्रंथों को पूरा पूरा सिखाने वाली और सूरज की पूजा करती थी। मैं एक दिन उनको प्रभु यीशु के बारे में सुनाया, वो कह रही मुझे तुम मत सिखाओ, मैंने तुम्हें इतना सिखाया, कह के वो कहने लगी। मैंने कहा ये सूरज जो है परमेश्वर की सृष्टि है, यदि परमेश्वर को यदि आप जान लेंगे उसकी सृष्टि के लिए प्रभु धन्यवाद देंगे। वो कहने लगी नहीं मानूंगी, लेकिन दिन होने लगा, मैं लगातार उसी परमेश्वर की वादा करके मेरी दादी माँ के लिए प्रार्थना किया, वो भी प्रभु यीशु को, जी हाँ, पूरे दिल से ग्रहण करने लगी। मेरे घर में पूरे 3 सदस्य प्रभु यीशु को ग्रहण किए और खुशी के साथ मृत्यु में गए और वो प्रभु को साथ अभी रहते हैं। मुझे विश्वास है एक दिन जैसे मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वो तीनों परमेश्वर के सम्मुख में वहां रहेंगे। उस वादा के अनुसार हमारे परिवार में प्रभु ने काम किया। मुझे ये विश्वास भी है प्रभु यीशु के साथ आएंगे, यही परिवार का विश्वास है। यदि आपका घर में कोई यीशु को नहीं मानते, नहीं ग्रहण करते, इस वादा के अनुसार प्रतिदिन विश्वास के साथ आप प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरे परिवार को
तू उद्धार करना। तो आज विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के आपके परिवार को उद्धार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे परिवार में भी उद्धार नहीं पाए, भाई बहन रहते हैं। तेरे वचन के अनुसार प्रभु तेरे वादा कहता है, तू विश्वास करने से तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आज मैं विश्वास करता हूँ, मेरे सारे घर के सदस्य लोग यीशु को जानना है, पाप की क्षमा को मांगना, यीशु के नाम में मानते हैं। आमीन, आमीन।